नमस्कार जी, मेरा नाम दीपांशु अरोड़ा है और आज हम आए हुए हैं सरदार शहर, जहाँ पे हम आपको दिखाएंगे 5510 पावर शटल, जो कि अपनी कैटेगरी का एक बहुत ही यूनिक ट्रैक्टर है। इसका आज हम रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले इस ट्रैक्टर की बात करें तो ये ट्रैक्टर हमने 49.5 यानी कि 50 हॉर्स पावर कैटेगरी में लॉन्च करा है। ये टर्बो और नॉन टर्बो दोनों टेक्नोलॉजी में अवेलेबल है। जो नॉन टर्बो वाला है वो इनलाइन पंप के साथ है और जो टर्बो में है वो रोटर पंप के साथ है। इस ट्रैक्टर में अगर आपको मैं दिखाएं तो इस ट्रैक्टर में आपको न्यू हॉलैंड का इवेको 8000 सीरीज़ का इंजन मिलेगा, जो कि आपको एक बहुत ही बेहतरीन माइलेज देगा। इस पर आप देख रहे हो इनलाइन FIP लगा हुआ है। ट्रैक्टर की अगर प्लेटफार्म की बात करें तो बहुत ही खुला डुला प्लेटफार्म बनाया हमने, जो कि ऑपरेटर को बहुत काम ज़्यादा देर तक काम करने में मदद करेगा। इस ट्रैक्टर में अगर आप देखोगे तो साइड गियर और सिंक्रो शटर दिया हुआ है। तो ये पावर शटल जो है, ये इसमें ड्राइवर को क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये बिना क्लच दबाए बहुत लंबे समय तक ड्राइवर जो है काम कर सकता है। तो आओ आपको दिखाते हैं पावर शटल। इस ट्रैक्टर को आगे लेके जाने के लिए हम इसको आगे करेंगे और इसी लीवर से ये जो है बैकवर्ड हो जाएगा। इसमें 12 स्पीडें फॉरवर्ड और 12 स्पीडें रिवर्स की ऑप्शन है, जो कि ट्रैक्टर इंडस्ट्री में अपने आप में ये जो है पहली बार हम इसको लेकर आए हैं। और इस ट्रैक्टर की अगर बात करें तो ये 4-व्हील ड्राइव के साथ है। इस ट्रैक्टर के आगे वाले टायर 950 के और पीछे वाले टायर जो है 16930 के हैं। और इस ट्रैक्टर को पीछे से दिखाते हैं, क्योंकि ये ट्रैक्टर लोडर स्पेशल है तो इसमें पीछे से ये इस तरीके से आएगा। ट्रैक्टर में पंप लगाने के लिए हमने अलग से PTO दी हुई है। इधर आप पंप माउंट करेंगे तो जो इंजन के चक्कर हैं वो डायरेक्ट आपको इधर मिल जाएंगे। आम ट्रैक्टरों में क्या होता है कि आप पंप की ड्राइव जो है आगे पुली से लेते हैं, जिससे पंप